Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 7, fraction of class 6. Exercise 7.4, question number 7. Find answer of the following. Write and indicate how you solve them. यहाँ पे भी कुछ fractions दिए हैं. हमें बताना है कि ये दोनों fraction हमारे equal हैं या नहीं. First is the A part. Is 5 upon 9 equal to 4 upon 5? क्या 5 upon 5, 5 upon 9 4 upon 5 के इक्वल है या नहीं चेक करते हैं. 5 upon 9 अभी ऐसे तो 4 upon 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन अब हम इसको इसके अगर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं दोनों के और वो दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो तो उससे भी पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है. इनडायरेक्टली बताना है कि ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक फ्रैक्शन नंबर को चेंज करके दूसरा फ्रैक्शन बनाएंगे. क्या हम 9 को 5 बना सकते हैं? नहीं बना सकते. 5 को 9 नहीं बना सकते. डायरेक्ट तो हम इन दोनों में से किसी भी फ्रैक्शन को चेंज नहीं कर सकते. तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. 9 और 5 का एलसीएम निकालेंगे. 3 से डिवाइड करने पे आएगा 3. 5 3 से डिवाइड नहीं होगा. दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 5. फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1. सो एलसीएम क्या होगा? LCM of 9 and 5. 3 3 is a 9, 9 5 is a 45. So 9 or 5 ka LCM aayega 45. Ab hum in dono ke denominator change karenge. First is 5 upon 9. Iska jo denominator hai isko hume 45 banana hai. To 45 hum isko kaise banayenge ki hum isko kisi number se multiply kar de aur yahan pe hamare paas 45 aa jaye. Kaise find karenge? 45 ko 9 se डिवाइड करेंगे. 45 को 9 से डिवाइड करने पर आएगा 5. सो 9 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 5 जो 45 हो जाएगा. अब जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा. सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 जो 25. फ्रैक्शन होगा 25 अपॉन 45. सेकंड फ्रैक्शन है 5 4 अपॉन 5. इसमें भी हमें डिनोमिनेटर 45 बनाना है. तो उसके लिए 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 45 आ जाए. तो हम क्या करेंगे, 45 को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे. 45 को 5 से डिवाइड करने पे आएगा 9. सो जिस नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है वही सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा 4 9 का 36 एंड 5 9 का 45. अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. डिनोमिनेटर दोनों में 45 45 है, दोनों इक्वल है. न्यूमरेटर इसमें 25 है, इसमें 36 है. दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं है. जब दोनों के न्यूमरेटर की वैल्यू अलग है तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं होंगे. सो ये जो हमारे फ्रैक्शन है 5 अपॉन 9 इज नॉट इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, यानी कि ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. हमें इसमें यही फाइंड करना था कि ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्वल है. सो हमारा आंसर क्या है कि ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्वल नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज द बी पार्ट. इज 9 अपॉन 10 इक्वल टू 5 अपॉन 9? क्या 9 अपॉन 10 5 अपॉन 9 के इक्वल है या नहीं? ये भी हम इसी की तरह करेंगे. 9 अपॉन 10 एंड 5 अपॉन 9 चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. 10 को हम 9 नहीं बना सकते, 9 को हम डायरेक्ट 10 नहीं बना सकते. सो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर का. एलसीएम ऑफ 10 एंड 9. 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 आएगा. 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे लिख लेंगे. 3 से डिवाइड करेंगे ये 5 ये 3. दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 1. देन 5 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1. सो ये होंगे इसके एलसीएम. सारे नंबर के हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 3 3 जा 9. 10 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 9 जा 90. सो एलसीएम क्या होगा? 90. अब हमें दोनों नंबर के डिनोमिनेटर चेंज करने होंगे. यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में दोनों में 90 बनाना है. यहाँ पर 10 है, 10 की हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि यहाँ 90 आ जाए. तो 90 को 10 से डिवाइड करने पे आएगा 9. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से. 9 9 जा 81
एंड 10 9s आर 19. सो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होगा हमारा 81 अपॉन 19. नाउ सेकंड फ्रैक्शन है 5 अपॉन 9. इसका भी न्यूमरेटर हमें डिनोमिनेटर 90 बनाना है. तो 9 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 90 आ जाए. तो क्या करेंगे हम 90 को 9 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा. दोनों नंबर की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 10s ऑफ 50 एंड 9 10s ऑफ 90. अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्वल है. 81 अपॉन 90 एंड 50 अपॉन 90 दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन अब अगर हम न्यूमरेटर देखेंगे यहाँ पे 81 है यहाँ पे 50 है दोनों इक्वल नहीं है दोनों की वैल्यू अलग अलग है. सो ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे. ये हो जाएगा 81 अपॉन 90 इज नॉट इक्वल टू 50 अपॉन 90. सो ये होगा 9 अपॉन 10 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 9. नेक्स्ट इज द सी पार्ट. 4 अपॉन 5 इज 4 अपॉन 5 इक्वल टू 16 अपॉन 20. क्या 4 अपॉन 5 16 अपॉन 20 के इक्वल है या नहीं ये हम चेक करेंगे. क्या हम 5 को 20 बना सकते हैं? यस बना सकते हैं. अगर हम 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 को हम 20 बना सकते हैं. सो ये जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब किसी नंबर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करनी होगी हमें. ये हो जाएगा 4 4s ऑफ 16 एंड 5 4s ऑफ 20. सो 4 अपॉन 5 की वैल्यू क्या होगी हमारी 16 अपॉन 20 एंड सेकंड फ्रैक्शन क्या है हमारा 16 अपॉन 20. डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है हमारे पास 20 20 न्यूमरेटर में 16 16 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है. सो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे एक दूसरे के इक्वल होंगे. ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16 अपॉन 20 क्योंकि ये वाली जो 16 अपॉन 20 है ये 4 अपॉन 5 की वैल्यू है. सो 16 अपॉन 20 की जगह लिखेंगे हम 4 अपॉन 5 एंड सेकंड फ्रैक्शन जो है 16 अपॉन 20 उसको ऐसे ही लेंगे. ये दोनों फ्रैक्शन हमारे एक दूसरे के इक्वल है. नाउ नेक्स्ट इज द डी पार्ट. इज 1 अपॉन 15 इक्वल टू 4 अपॉन 30. क्या 1 अपॉन 15 4 अपॉन 30 के इक्वल है या नहीं चेक करेंगे. फर्स्ट फ्रैक्शन है 1 अपॉन 15 सेकंड फ्रैक्शन है 4 अपॉन 30. दोनों का डिनोमिनेटर हमें एक जैसा बनाना है. क्या हम 15 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 30 बना सकते हैं? यस बना सकते हैं. 15 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 30. सो इस वाले फ्रैक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ. ये हो जाएगा 1 2 2 एंड 15 2 30. सो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा 2 अपॉन 30. सेकेंड फ्रैक्शन क्या है हमारा 4 अपॉन 30. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. हम चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं. 30 30 डिनोमिनेटर सेम है. न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है यानी कि दोनों न्यूमरेटर एक दूसरे के इक्वल नहीं है. सो ये हो जाएगा 2 अपॉन 30 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 30. दैट मीन्स 1 अपॉन 15 क्योंकि 2 अपॉन 13 तो 1 अपॉन 15 की वैल्यू है. 1 अपॉन 15 जो है इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 30. 1 अपॉन 15 4 अपॉन 30 के इक्वल नहीं है. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7 एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल.